झारखंड के मजदूर एक बार फिर दलालों के चक्कर में आकर श्रीलंका में जाकर फंस गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड के 19 मजदूर कल्पतरु ट्रांसमिशन नाम के एक कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण मजदूर दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। साथ ही सभी मजदूरों के पासपोर्ट्स को भी जब्त कर लिया गया है। सोशल मीडिया के जरिए सारे मजदूर वीडियो बनाकर झारखंड सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। और हमारे साथ सहयोगी आयुष जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आयुष, अब देखिए श्रीलंका में कुछ मजदूर फंस गए हैं, अब वो सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जी देखिए आरती, बिल्कुल, और ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है कि यहाँ के मजदूर पलायन करके देशों में जाके फंस जाते हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं और फिर सरकार से गुहार लगाने का जो सिलसिला फिर जारी है। श्रीलंका में मजदूर फंसे हुए हैं, लगभग आपको बता दें 19 मजदूर हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सरकार से गुहार लगाई है। हालांकि हम ये खबर कह सकते हैं कि राज्य प्रवासी कंट्रोल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी वापसी हो। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आयुष। तो श्रीलंका में झारखंड के 19 मजदूर फंसे हैं, और श्रीलंका में इन दिनों हालात बेहद खराब है, और देखिए दलालों के चक्कर में ये मजदूर फंसे हैं। 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, दाने दाने को भी मोहताज हो गए हैं। अब सोशल मीडिया के जरिए ये वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं, राज्य सरकार से मदद की गुहार लगाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।